हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में, जो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से चलाई जा रही है। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो। पहला है द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाई। डाइजेस्टेड फूड का फूड होता है, उसका अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ होता है अवशोषण? छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत में होता है। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द, स्टार्च होता है जो खाने में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, उसका डाइजेशन कहाँ होता है? उसका पाचन मुंह में होता है। ठीक है, मुंह में लार के द्वारा। लीवर एंड पेनक्रियाज पोस द देयर जूस इन, जो लीवर होता है पेनक्रियाज होता है, वो अपना जूस कहाँ छोड़ते हैं? वो भी छोटी आंत में ही छोड़ते हैं। वाटर फ्रॉम द बेस्ट फूड इज ऑब्जर्व बाई, जो पानी होता है, जो अन्न पचा हुआ खाना, उसमें उसका जो जल है वो कहाँ अवशोषित होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में। उसके बाद है आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन द फूड पाइप, प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन फूड पाइप में हो जाता, नहीं होता, ये भी फॉल्स है। उसका होता है छोटी आंत और बड़ी और अमाशय में होता है पाचन। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका छोटी आंत में अवशोषण होता है। ब्लड वेसल फाउंड इन द बाल स्टोमच ऑफ ऑब्जर्व फूड, जो खून रक्त नालियाँ रक्त की जो नली होती है वो स्टोमच में पाई जाती है, नहीं ये स्टोमच में नहीं पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है, इसलिए ये भी फाल्स होगा। ब्लड टेक्स डाइजेस्टेड फूड ओनली हार्ट, जो खून अब अपना जो खाना होता है जो वो सिर्फ हार्ट में लेके जाता है, दिल में, हृदय में लेके जाता है, ये भी गलत, सारे शरीर में लेके जाता है, हृदय में नहीं। फूड रिमेन 8 आवर्स, कहते हैं कि खाना है जो वो 8 घंटे तक अमाशय में रहता है, नहीं रहता, 3 घंटे तक रहता है ओनली। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था वेयर इज द वाटर अब्जॉर्ब बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पानी होता है वो कहाँ अब्जॉर्ब होता है, अभी बताया था। किसमें होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, लार्ज इंटेस्टाइन इसका जो आंसर है वो है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप याद कर लेना, अच्छे से पढ़ भी लेना, लिख भी लेना साफ साफ। थैंक यू।